दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वादकर्ता में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे आलू परवल की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, आलू परवल की सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, परवल जिसे हमने छील कर काट लिया है, आलू कटे हुए, प्याज कटी हुई, प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची और ज़ीरा, साथ ही तेल। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। उसमें हम कटे हुए आलू डाल के उसे गोल्डन ब्राउन होने तक के भूंज लेंगे। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम परवल को भी भूंज लेते हैं, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक के भूंज लेंगे। हमारा परवल भून गया है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम तेल पे तेज पत्ता डाल लेते हैं 2 और 2 सूखी लाल मिर्च डाल लेते हैं। इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे और जीरा को तड़कने देंगे। जीरा तड़कने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारे अब अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। हमारा प्याज का पेस्ट भी अब अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड कर लेते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तेल छोड़ने तक के भून लेंगे। हमारे मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम 1/2 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे जिससे हमारी मिर्ची जलेगी नहीं। मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से तेल छोड़ने तक के भूंज लेंगे। हमारा मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम आलू और परवल को ऐड कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। परवल और आलू को हम कुछ देर तक के मसाले में ही भूंज लेंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से मसाले में भूंज लिया है, अब इसमें हम 2 कटोरी पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा के हम इसे पका लेंगे। थोड़ी देर पक जाने के बाद अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसका आलू भी चेक कर लेते हैं कितना पका है। हम चम्मच से इसे तोड़ के देख लेंगे, ये थोड़ा सा कड़क है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करिए या ना ऐड करिए। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ढक के आलू के अच्छे तरीके से पक जाने तक के पका लेंगे। अब हमारी आलू परवल की सब्जी पक गई है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और शेयर करिए।